हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस जो इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। ये 30 क्वेश्चंस वे क्वेश्चन हैं जो आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसकी जो सिलेबस में अगर इन्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से आप इनको आंसर ज़रूर बताइएगा कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर है। और अगर ये 20 क्वेश्चंस में अगर आप लोगों ने 18 क्वेश्चंस सही कर लिए, या इनफैक्ट अगर आपने 15 क्वेश्चंस भी सही कर लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है वो आपका काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन रखनी है। सो फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन है, भोपाल की दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? चार ऑप्शन है आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर मोनोऑक्साइड और फॉजीन। तो आप सभी जानते हैं कि जो भोपाल की दुर्घटना हुई थी ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, जो गैस का रिसाव हो गया था। बड़ी गैस दुर्घटना हो गई थी जिसमें काफी लोगों की जान भी चली गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई है मीटर, मेगावाट, डेसीबल या ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है डेसीबल। जो ध्वनि प्रदूषण की मापन की इकाई है वो है डेसीबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रीय जल को नियंत्रित करते हैं वन से, लाइकेन से, शैवाल से या घास स्थल से। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए जो चक्रीय जल होता है उसको वनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने किया था? रेटर ने, टॉन्सले ने, आर मिश्रा ने या ओडम ने। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये आप लोग हमें जल्दी से बताइए। इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो रेटर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है, सूर्य में जो ऊर्जा होती है उसका कारण क्या है? तो देखिए, विखंडन, संलयन, वात ऊर्जा या जली ऊर्जा। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सीएनजी गैस का मुख्य घटक बताइए फ्रेंड्स जल्दी से कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो सीएनजी जो होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुख्य घटक होता है मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, फिर भी मैं आप लोग इसको बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या? होता है मीथेन होता है, ऑक्सीजन होता है, इथेन होता है या हाइड्रोजन होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोगैस में मुख्यतः इथेन होता, मीथेन होता है, मीथेन ये ऑप्शन इसका सही होगा 8 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो जीवाश्म ईंधन होता है वो आपका कोयला भी होता है और पेट्रोलियम भी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में या सौर ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग कंप्लीटली इसे समझ पाएंगे। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन के, ब्रोमीन के, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है तो ये क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पड़ रहा है, ये आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पूछा है कि वायु प्रदूषण नहीं है तो डेफिनेटली ये आंसर इसका सही होगा, जल आंसर एकदम करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता,
ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए, जो सौर ऊर्जा होता है ये ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत होता है, जिससे कभी भी प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो होती है वो प्राकृतिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में सर्वाधिक प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण सुहाग नगरी में वायु प्रदूषण है, जो चूड़ियों के लिए विशेष करके प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य को जीने के लिए परम आवश्यक वस्तु है, क्या आवश्यक है? भोजन, वायु, जल और प्रकाश। तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, जो वायु होगा, जो वायु होगा, आप लोग देख रहे हैं, वायु के बिना इस व्यक्ति नहीं जी सकता है, वो भोजन के बिना रह सकता है, जल के बिना, प्रकाश के बिना रह सकता है, लेकिन जो वायु होता है, O2 होता है, इसके बगैर इंसान बिना सांस लिए हुए नहीं जीवित रह सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? चार ऑप्शन है आपके सामने, 1987, 85, 1988 और 1984। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1987 में पर्यावरण पुरस्कार का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो सही आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र या फास्फोरस चक्र। तो पोषक चक्र बताना है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, वो होता है कार्बन चक्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ग्रीन हाउस में कौन सी गैस प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख है, CO2। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तो CO2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण? तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नाभिकीय प्रदूषण इसका ऑप्शन सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक है नाभिकीय प्रदूषण, जिसमें परमाणु बम वगैरह छोड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे हमारे 20, और आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने 18 भी सही कर लिया, या इनफैक्ट अगर आपने 15 से 18 क्वेश्चन को सही कर लिया, तो आप खुद को बहुत एकदम दौड़ में आगे समझिए। और जो इन्वायरमेंट होता है वो यूपी टेट हो, सिपर टेट हो, एच टेट हो, आर टेट हो, या कहीं का भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्रीमी लेयर का काम करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन आपको अधिकांशतः एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ ही, अगर सीटेट का एग्जाम आप लोगों ने देना है, तो आप लोग हमारे द्वारा जो अपलोड किए लाइव क्लासेस होती है, एनसीईआरटी बुक से जो पढ़ाया जाता है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी द्वारा ही आते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।